टेडी? ओफो, टेडी से क्या होना यार, यहाँ पे टेडी, घर में डैडी। काश वो आ जाए, मैं हो जाऊंगी रेडी, मेरी लाइफ हो जाएगी लड़की। माय गॉड, मेरा हीरो, मेरा हीरो। ओ गॉड, नाउ व्हाट? अरे ऐसे ही नाचती रहेगी ना जिंदगी भर, कुंवारी रह जाएगी। गो टेल हिम। क्या? दैट यू लव हिम, दैट यू लव हिम। अच्छा, तेनु किने दस्या? मेरा हीरो। हाय हाय। अब प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो हर जगह है। ऊपर प्रॉब्लम है, नीचे प्रॉब्लम है, इधर प्रॉब्लम, आई एम सॉरी, उधर प्रॉब्लम है, एवरीवेयर। तो मैं क्या कर सकता हूँ? प्लीज, मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कितनी बड़ी? 5 फुट 5 इंच। मैंने तुम्हारी हाइट नहीं पूछी, तुम्हारी प्रॉब्लम पूछी है। एक्चुअली जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो आप समझ नहीं रहे, और जो मैं समझ रही हूँ वो आप कहना नहीं चाहते। तो एक्चुअली मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो मतलब क्या है? मतलब मेरी एक फ्रेंड है निशा, वो मुझसे कह रही थी मैं आपसे कैसे कहूँ कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, मैं आपके बच्चों की माँ। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। इसने कहा यू नो शी लव्स यू, इसने कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। बट यू नो यू रियली गॉट अ प्रॉब्लम। ए व्हाट प्रॉब्लम? एवरीवेयर देयर इज अ प्रॉब्लम। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक प्रॉब्लम, कांस्टेबल से लेकर कमिश्नर तक प्रॉब्लम, एवरीवेयर प्रॉब्लम। कंजर्वेशन, कम्युनिकेशन, कंट्रीब्यूशन, कंपटीशन, कंपटीशन, एंड आई हैव गॉट कॉन्स्टिपेशन। वेरी गुड प्रॉब्लम। पर तुम कौन से थाने से हो? थाना? आई एम फ्रॉम इंटरपोल, ऑल पोल खोल। यू नो द प्रॉब्लम, आई नो द प्रॉब्लम। शी इज लविंग यू, यू आर नॉट लविंग हर, दिस इज नॉट द प्रॉब्लम। देयर आर एवरीवेयर शॉपिंग सेंटर्स बट नो लव सेंटर। We need love center. What do you think? Love is all the valto chit. Love is very important thing. Am I right? Come on, say everybody with me. Kaho na pyaar hai, kaho na. Bas kar apna drama, nahi to marunga terko. Mujhe maar kar kya milega? Osaka Shipping Corporation ke godown mein itna asla aur barut pada hua hai. Zara se bhi der ho jaye, to desh ke hazaron masoom jaan se jayenge. Osaka Shipping Corporation. Middle down karo, taxi phir milega. किसी न किसी मोड पर। देखो, बिना सर्च वारंट के हम अंदर नहीं जा सकते। अगर हम सर्च वारंट का इंतजार करेंगे ना, तो गोडाउन में जो हथियार पड़े हैं वो पूरे देश में बट जाएंगे और हजारों की हत्या हो जाएगी। वो बोर्ड देख रहे हो, लिखा है प्राइवेट प्रॉपर्टी। देखो, पुलिस को कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। घबराइए मत, आपको फांसी नहीं होगी। ना तो मैं खुद कानून तोड़ूंगा और ना किसी को तोड़ने दूंगा। सच बताइए, आप किस बात से डरते हैं? मैं क्यों डरूंगा? मैं तो कानून की बात कर रहा था। अगर पुलिस वाले ही कानून तोड़ने लगे तो फिर हो चुका कायम लॉ एंड ऑर्डर। आप फिर बार बार कानून की हिफाजत की बात कर रहे हैं। एक पुलिस मैन की जिंदगी की बात कीजिए। पुलिस वालों का काम सिर्फ ड्यूटी निभाना नहीं होता, ड्यूटी उनके लिए एक मिशन होती है। क्या होती थी हमने पुलिस फोर्स ज्वाइन करने से पहले? लगता है वो सौगंध आपने सिर्फ पढ़ी थी, लेकिन उस सौगंध को मैंने अपने दिल और दिमाग पर गरम सलाखों से लिख दिया था कि मैं कमजोर और दुखियों की रक्षा करूंगा और किसी लालच या दबाव के आगे ना झुकते हुए अपने फर्ज का पालन करूंगा। ठीक है, हम लोग अंदर जाएंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब तक मैं ना कहूं कोई खून खराबा नहीं होगा जी, और तुम गोली नहीं चलाओगे। अर्जुन सिंह जी, मैं आपकी बात समझ गया, चलें।
आखिर क्या हासिल कर लिया हमने? अब जब इंक्वायरी शुरू होगी तो पता चलेगा ये गोडाउन किसी और के नाम है और वो चंद पैसों के लिए जेल जाने के लिए भी तैयार है। इस शहर में अपराध की ऐसी घिनौनी दुनिया बसी है जिसके ऊपर बहुत बड़ी हस्तियों का साया है। हम चाहकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं कंट्रोल रूम में फोन करके गोडाउन सील करवा देता हूं। कंट्रोल रूम चाहकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते ना, पर उनके दिल पर थोड़ी सी चोट तो पहुंचा सकते हैं। उस हरामखोर ने हमारे इतने गोदाम चला दिए, करोड़ों का नुकसान कर दिया, और आप किस बात का इंतजार कर रहे हो भाई? खेल को और मजेदार बनाने का। शिकार का मजा तभी आता है जब वो जल से पकड़ में ना आए। जिंदगी में करण जैसा शिकार बड़ी मुश्किल से मिलता है। उड़ने दो से, जितना ऊंचा उड़ेगा उतना उसे नीचे गिराने में मजा आएगा सिकंदर। कहीं इतना ऊपर ना उड़ जाए कि आपके हाथ से निकल जाए। मौत से कोई ऊपर नहीं उड़ सकता सिकंदर। थैंक यू। ओए मां, मैं मर गई। ये क्या हुआ जी? कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं जानती थी आज कुछ होगा। सुबह से ना मेरी बायां फड़क रही थी। कुछ नहीं, हल्की सी मोच आई है। यू थैंक यू। ये कौन? नमस्ते जी। नमस्ते। ये यही करण सिंह है। अच्छा अच्छा, बेटी अंदर आ जाओ, बारिश हो रही ना, थम जाए तब चले जाना। नहीं नहीं, अभी कम है, बाद में तूफान आएगा तो फिर जा नहीं पाएगा। वही बेटी अंदर आ जाओ, आप भी आ जाओ, जल्दी आ जाइए। एक्सक्यूज मी। कपड़े बदल लो, तुम्हारे कपड़े भीग गए ना, मैं सुखाकर प्रेस करवा लेती हूँ। चेंज में कहाँ? वहाँ है बाथरूम। ये मेरी बेटी है काजल। हाय, यू हैव कम टू माय हाउस, इट्स गॉड्स नेचर, सम टाइम आई लुक एट यू, सम टाइम एट फर्नीचर। ये तू क्या कह रही है? मम्मी गालिब का शेर है। ये मेरा बेटा है राहुल। हाय। ये राइट चॉइस बेबी। सेम है। राहुल, उसे मेरा कुर्ता पजामा देने की क्या जरूरत थी? तो फिर क्या मैं उसे अपनी साड़ी दे देती? आप भी ना है भाई। ये दिन ऐसे काटे हुए क्यों हैं? पापा अपने रिटायरमेंट के दिन रोज गिन गिन के काटते हैं। बारिश थम गई है, तुम्हें देर हो रही होगी। तड़के की खुशबू आ रही है। खाना लग गया है, चलो। इन्हें देर हो रही है, रोकोगी तो फिर बारिश शुरू ना हो जाए। अरे पहली बार हमारे घर आए, बिना खाए कैसे जाने दूंगी मैं? जब आप इतने प्यार से कह रही हैं तो मैं इनकार कैसे कर सकता हूँ? तुम चाहो तो कर सकते हो। अरे वैसे सर, खाने में क्या क्या बना है? तुम चलो तो मेरे साथ, माँ की दाल बनी है। भाई दाल तो वाकई बहुत स्वाद है, वेरी टेस्टी। ये आपने दही बड़े तो लिया ही नहीं। तू तो ऐसे कह रही है जैसे खाना तूने ही बनाया। तो क्या हुआ, बनाया नहीं? सर्व तो कर रही हूँ ना। वैसे मेरी मम्मा बहुत अच्छा खाना बनाती है। ये लो। ये क्या बेटे, खाते हुए हाथ नहीं रोकते, अब शकुन होता है। तुमने पनीर तो लिया ही नहीं। क्या हुआ? लगता है इनके गले में खाना फंस गया। आप पानी पी लीजिए ना। हाँ पापा, पानी पी लीजिए। आप कुछ लेते क्यों नहीं पापा? पी लीजिए ना पानी। अभी बताता हूँ पापा के बेटे। अरे लो बेटा, मीठा खा लो। अगर मैंने ये सब खा लिया ना तो मुझे यहीं सोना पड़ेगा। आपके लिए गेस्ट रूम में बिस्तर लगवा दो। आप भी जरा मुंह मीठा कीजिए ना।
अपना राव लेना। अच्छा बाजी मैं जाता हूँ। जाता हूँ नहीं, फिर आता हूँ कहते और आते रहना। हाँ जी, खुश रहो। बाय राहुल। बाय बड़ी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पापा को रोज छोड़ने आ? हो सकता है, पर तुम्हारे पापा की सिर्फ दो ही टांगे हैं ना, हर रोज तो नहीं तोड़ सकते हैं। हाँ,